नमस्कार दोस्तों, गुप्ता फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार गुप्ता आप सभी को पटना से यह लाइव करवा रहा हूं, जो कि आज 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट के लिए जो यह माहौल बनाया गया था, जो कि बहुत ही लोग यहाँ पर होर्स उल्लाह के साथ अपने घरों के लाइट बंद करके हर चीज़ को फॉलो करते हुए इस अनूठा पहल को सफल बना रहे हैं। यह नज़ारा पटना के दीघा घाट आसियाना के बीच पासपोर्ट ऑफिस नियर CRPF कैंप के अगल बगल की बात है। यह नज़ारा ही बहुत ही सराहनीय है, जो कि दम आज प्योर दिवाली का मौसम टाइप पर लग रहा है, जो कि आप लोग के बीच में नज़ारा दिखाई रहे हैं। और यह समय हमारे एकजुट एकता को लेकर बहुत ही समर्थन करेगा। देखिए बहुत ही लोग शंख वगैरह भी बजा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट डाल के इस बीते पल को यादगार बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि हमारे जीवन में तो यह खास ही रहेगा कि अभी तक हमने अपने पूरे जीवन काल के करीब 20 वर्ष में ऐसी पहली बार हुआ है। और यह भगवान करे कि बार बार ऐसा परिस्थिति हमारे देश को नहीं देखना पड़े, ताकि बहुत विकट स्थिति से भी गुजर रही है हमारा देश भारत। कोरोना हारेगा देश जीतेगा, इसमें मोदी जी के फैसले को लेकर सभी लोग सराहनीय, हर चीज़ को फॉलो करते हुए जो जो उन्होंने बताया था, लाइट्स बंद करके अपने घर पर कुछ लोग फ्लश जला रहे हैं, हम भी फ्लश जला रहे हैं। और एक्चुअली यह है कि यहाँ पर दिया का जुगाड़ नहीं हो पाया, इसीलिए हम अभी पटना में हैं, इसीलिए यहाँ पर अभी फ्लश से ही हम काम चला रहे हैं, जो कि इसका भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है। बहुत सारी बात कहा जा रहा है कि दीप जलाने से कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं, वायरस वगैरह हैं, जो कि मर जाते हैं, लेकिन अब देखिए इससे भी शायद हमारे देश को फ़ायदावान है, ऊर्जावान बने। और इससे यह एकजुट होने का यह संदेश भी देता है कि हाँ, सारे भारतवासी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी ही बात होती है, ऐसा पल उन्हें फख्र हो रहा होगा कि हम इस देश का एक अच्छा प्रधानमंत्री हैं, जो कि उनकी बातों को लोग बहुत तरह से मान ही रहे हैं। आज इस तरह की फीलिंग आ रही है कि एक डायलॉग की याद आ गया है कि बड़ा ही मशहूर है कि चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी की चौक पर चांदी के चम्मच से 4 चम्मच अपनी चटाया। वही आज है कि 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए DFDA टॉर्च लाइट आदि जरूर जलाएं। धन्यवाद दोस्तों, यह नज़ारा हमारे एकता का यह सबूत है। एक तरह से देखा जाए तो इसको हर रीजन से लोग देख रहे हैं, कुछ एकता के देख रहे हैं, कुछ साइंटिफिक रीजन देख रहे हैं, कुछ साइंस के बारे में भी इसमें इंक्लूडेड बात है, जो कि आज पूरी तरह से 9 मिनट के लिए दिवाली सा माहौल हो गया है हमारे नगर पटना में, पूरे देश में हो रहा से मनाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।